एक दिन आप सुनिएगा कि किसी भी दिन उनके पार्टी के जितने भी सांसद है सब पार्टी छोड़ करके चिराग दावन थाम लिए हैं। पशुपति पारस जी के पास कुछ नहीं बचेगा। अभी तो एक एक करके सब लोग उनसे निकल गए हैं, उनके सांसद निकल रहे हैं, अपने आप अकेले ये पार्टी में रह जाएंगे। पारस बाबू ऐसे भी थक चुके हैं, अब वो हो गए हैं बूढ़ा बुजुर्ग। तो क्या चिराग जी के छोटे भाई प्रिंस राज भी चिराग जी के दल में आएंगे, चाचा का साथ छोड़ेंगे? और पारस जी के तो कुर्सी आपने देखा ही होगा, आप लोग ही देखे हुए, कुर्सी पर कोई आदमी बैठने वाला नहीं है, खाली कुर्सी है, ढोल बजा रहे हैं। पारस जी भी जानते हैं कि हमारे पार्टी में अब क्या बच गया है, अब उनके पार्टी में कुछ बचा नहीं है। जो 24 का जो एमपी का चुनाव हो उसमें लोग 40 के 40 सीट जीते हैं, इधर जाए कि उधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए, ये करे कि वो करे, उस स्थिति में चर्चा पड़ गए। जी हाँ, तो इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है आरएलजेपी से। आरएलजेपी का जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड जो है वो भंग हो गया है, और बताया जा रहा है कि पशुपति पारस ने ये बड़ा फैसला लिया है। और ये बड़ा फैसला आखिरकार उन्हें क्यों लेना पड़ गया, क्योंकि सामने चुनाव है, उसके बाद इतना बड़ा कदम उठाया गया है। अब इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए फोन लाइन पे जितेंद्र यादव जी हैं। जितेंद्र यादव जी प्रवक्ता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। जितेंद्र यादव जी, कैसे देख रहे हैं इस घटना को? देखिए, आने वाले समय में पशुपति पारस जी के पास कुछ नहीं बचेगा। अभी तो एक एक करके सब लोग उनसे निकल गए हैं, उनके सांसद निकल रहे हैं। आने वाले समय में जनता तो इनके साथ कोई है नहीं, अपने आप अकेले ये पार्टी में रह जाएंगे। और जो जनता है, जो भी, और उनके पार्टी के जितने भी सांसद है सब हमारे चिराग पासवान जी के संपर्क में है। एक दिन आप सुनिएगा कि किसी भी दिन उनके पार्टी के जितने भी सांसद है सब पार्टी छोड़ करके चिराग दावन थाम लिए हैं। और निश्चित रूप से आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि वह दिन दूर नहीं होगी जिस समय, अभी तो आप देखे हैं कि बीना देवी ही, और उस दिन भी आप देखे स्थापना दिवस के दिन किया सूरज भान सिंह ने बीच में ही पार्टी से वो मन से निकल गए। आज के समय में जितने भी जाति और धर्म के लोग हैं सब चिराग पासवान में आस्था और विश्वास देख रहे हैं। चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, उनका जो काम करने का जो तरीका है, सब जनता को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसीलिए उनका अभी सांसद तो धीरे धीरे सब जाएंगे, उनके साथ से जनता भी जा चुकी है, इसलिए ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब बहुत उनको टेंशन लेने की बात नहीं है। एक समय आएगा कि देखिएगा धीरे धीरे सारा लोग उनसे छोड़ के अलग हो जाएंगे। क्या लग रहा है चिराग जी, जिस तरीके से स्थापना दिवस के दिन अपना शक्ति प्रदर्शन किए पटना में, उस शक्ति प्रदर्शन से पशुपति पारस जी बैकफुट पर है? देखिए, जो स्थापना दिवस जो था हम लोगों के पार्टी के 24वां, देखे होंगे कि किस तरह से हर लोग चिराग पासवान जी को सुनने के लिए गांधी मैदान के बापू सभागार में ऐसे लोग आए हुए थे जैसे लग रहा था कि हजारों हजार की संख्या में भीड़ है। और पारस जी के तो कुर्सी आपने देखा ही होगा, आप लोग ही देखे हुए, कुर्सी पर कोई आदमी बैठने वाला नहीं है, खाली कुर्सी है, ढोल बजा रहे हैं और बोल रहे हैं ये रे आदमी लोग आ रहा है, सब जनता आ रहा है, आप लोग बैठिए, आप लोग जाइए मत। तो ये सब चीज में जो है ना, हमको लोग को बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं तो पशुपति पारस जी की ओर से दावा तो किया गया था ना कि 1 लाख से अधिक लोग हाजीपुर में पहुंचेंगे उस दिन स्थापना दिवस पर। देखिए, हवा हवा ये सब बात है। पारस जी भी जानते हैं कि हमारे पार्टी में अब क्या बच गया है, अब उनके पार्टी में कुछ बचा नहीं है, उनके पार्टी में धीरे धीरे सब चीज खत्म होते जा रहा है। और आप जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक एक सांसद, जब सांसद ही उनके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है तो बाकी लोगों के लिए क्या ही जरूरत है, क्या ही भरोसा कर सकता है। इसलिए अब ये सब चीज पर अब कोई विशेष अब बचा नहीं है, और विशेष अब हम लोगों को इस पर टिप्पा टिप्पणी करना क्या है। पारस बाबू ऐसे भी थक चुके हैं, अब वो हो गए हैं बूढ़ा बुजुर्ग, इसलिए अब हम लोग इनसे यही प्रार्थना करते हैं कि शरीर पे ध्यान दे और स्वस्थ रहे भगवान की कृपा से। और वो देखिए, अब उनसे कुछ होने वाले नहीं है, और इस चीज का जनता भी समझ रही है। वीना, आज के वीना देवी को, वीना देवी जिस तरीके से चिराग पासवान के गुट में आ गई पशुपति पारस को छोड़कर, अगला नंबर किसका है पशुपति पारस के यहाँ, कौन से सांसद आने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? सारा लोग तो एक आदमी का मैं किसका बात करूँ, सारा सांसद लोग हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ रात दिन मिलना, बात करना, आप देखते होंगे आप लोग के माध्यम से
कि महबूब अली कैसर साहब जो खगड़िया सांसद है वो भी, मतलब सभी लोग, कोई वैसे सांसद नहीं है जो कि हमारे नेता चिराग पासवान जी पर विश्वास नहीं करते। हमारे नेता चिराग पासवान जी पर सभी लोग, उनके जितने भी सांसद लोग हैं, सब लोग कहीं ना कहीं उनके पार्टी से, उनके कामों से सब विशुद्ध। क्या और क्या चिराग जी के छोटे भाई प्रिंस राज भी चिराग जी के दल में आएंगे, चाचा का साथ छोड़ेंगे? देखिए वो सब लोग आ जाए, एक समय आएगी कि सारा लोग चिराग पासवान जी के सामने अपने अपने चीजों से आके और स्वीकार कर लेंगे कि हमसे ये चीज गलती हुई। वो दिन दूर नहीं होगी, आप सब चीज देखते जाइए। आज जनता ही जब जिस चीज को नकार दी है, जनता ही जो चीज को खत्म कर दी है, तो बाकी लोगों के करने से क्या होगा? आज जनता में आप देख रहे हैं कि कोई उत्सुकता, कोई विश्वास, कोई तरीका, कोई काम करने का, कोई कितना लोग आया, 500 भी 200 भी लोग वहां नहीं आया। तो आज के समय में हम आपको क्या भी बोल सकते हैं, आप जनता से जाके पूछिए ना, और जनता से जाके पूछिए, चाहे कहीं का जनता हो, बिहार के तमाम जनता जो है ना हमारे नेता चिराग पासवान जी के साथ है, और आने वाला समय में चिराग पासवान जी के नेतृत्व में हम लोग जो 24 का जो एमपी का चुनाव हो उसमें हम लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे, निश्चित रूप से आपको विश्वास हम दिलाते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए, जो पशुपति पारस ने आज बड़ा फैसला लिया, जो अपना केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग किया है, 2024 चुनाव के मद्देनजर कह रहे हैं कि हमने भंग किया है, जल्दी पुनर्गठन भी करेंगे, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भतीजा है उनसे डरे हुए हैं चाचा, इसीलिए आज उनको ये भंग करना पड़ गया संसदीय बोर्ड को। देखिए ये बखुलागे हैं चाचा, जो हमारे हैं वो बखुलागे चाचा जो है, अब ऐसा जिस स्थापना दिवस के दिन से चाचा जो है ना एकदम डगमगा गए हैं बेचारे, अब पड़ गए हैं अब सब में कि अब हम करें क्या, इधर जाए कि उधर जाए, इधर जाए कि उधर जाए, ये करे कि वो करे, उस स्थिति में चाचा पड़ गए। इसलिए चाचा टेंशन में है, उस दिन के भीड़ से, हमारे नेता का प्रोग्राम से वो पूरी तरह से डरे हुए हैं कि अब मेरे पार्टी में क्या होगा। आज बताइए, उनके पार्टी के सांसद ही जब उनके साथ रहने को तैयार नहीं है तो बाकी जनता क्यों रहेगा इनके साथ जी। इसलिए अब हम लोग क्या ही बोलेंगे उनको, हम लोग तो यही कहते रहते हैं कि देखिए हमारे नेता को काम करने का जो तरीका है, हमारे नेता जनता के साथ मिल करके विकास करने का, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो विजन है वो साफ क्लियर दिख रहा है। हर वो बिहारी के लिए काम करना चाहते हैं चिराग पासवान जी, हर वो बिहारी को, जो बिहारी आज के समय में विकास से काफी दूर है, वैसे लोगों को विकास दिलाने के लिए हमारा नेता रात दिन मेहनत करते हैं, और निश्चित रूप से आने वाले समय में आप देखेंगे कि उस लोगों का विकास निश्चित रूप से उनके घर तक पहुंचेगा, जो लोग आज तक एक विकास नाम सिर्फ सुने हैं, विकास अभी तक पहुंचा नहीं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बहुत जल्दी ये सब चीज आपको देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी ने बड़ा फैसला लिया है, और इस फैसला बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बीना देवी जो है वो चिराग पासवान के गुट में शामिल हो गई, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस को अपना केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भंग करना पड़ गया है। अब उनके ओर से कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव के मद्देनजर इसे भंग किया गया है, लेकिन पुनर्नई गठन की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि अब इसमें अध्यक्ष कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। दावा तो ठोक रहे हैं, लेकिन दावाओं में अब सच्चाई क्या होगी वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।